सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दैवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्रह्मणाधीनं तस्माद् ब्राह्मण देवता। दैवाधीनं जगत्सर्वं, पूरा ये जगत है किसके अधीन है? देवताओं के। और देवता किसके अधीन है? मंत्राधीनं च देवता, वो मंत्रों के अधीन है। मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्रा ब्रह्मणाधीनं, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। और इसीलिए ब्राह्मणों को देवता कहा गया है, गुरु कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण का इष्ट कहा गया है। नंद बाबा कहते हैं दशम स्कंद में कि जन्मना ब्राह्मणो गुरु। ब्राह्मण जन्म से ही गुरु है, लेकिन ये कैसा गुरु है जो तिलक भी नहीं लगाता है? ये बात समझ में नहीं आती है। जो गले में कंठी भी नहीं पहने, कैसा गुरु है ये? सनातन संस्कृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें बहुत कुछ दिया भी है। हमारा भी कोई फर्ज बनता है उनके लिए। केवल अपना पेट भर लेने से, धनोपार्जन करने से, परिवार को पालने से व्यक्ति महान नहीं होता है। ये कार्य तो वो लोग भी कर रहे हैं जिनके बुद्धि नहीं है, जिनके विवेक नहीं है। ये कार्य तो वो भी कर रहे हैं। एक पशु भी अपने बच्चों को पाल लेता है, परिवार को चला लेता है, वो भी। चिड़िया अपनी चोंच में दाना भर के लाती है और अपने बच्चों को खिलाती है, वो भी पालती है। तो जब तक अपने सनातन धर्मों के नियमों का हम पालन नहीं करेंगे, तो किसी भी वर्ण में जन्म ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। अपने धर्म के, अपने वर्ण के, अपने आश्रम के अनुसार आचरण करो। आप गृहस्थ हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मनमाना जीवन जिए, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए एक दिन मैंने कहा था कि जब से हमने नियमों का उल्लंघन किया है, मान मर्यादाओं का खंडन किया है, मनमाना जीवन जिया है, तभी से हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती जा रही है, व्यक्ति की झोली में दवाएं बढ़ती जा रही हैं। रोज की तरह मेरा एक ही निवेदन है कि भगवान से कहो कि बहुत कुछ तुमने दिया है, तुम्हारा मैं कर्जदार हूं। अब तक हमने भूल की, लेकिन अब नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। हमारा सात दिन कथा सुनाने का क्या अर्थ निकलेगा, आप लोग ये सोचिए। हम तो यहां व्यासपीठ पर बैठे हैं आपके सामने इतना मोटा चंदन लगा के, तो इसका भी भैया असर आना चाहिए। और आज चंदन देखा तो वो भी हमारी तरफ से लगाया गया है, आजू भैया की तरफ से लगाया गया है। तब तो सभी चंदन लगाएं, कंठी पहने, और सभी के पास एक माला और एक झोली होनी चाहिए। खाली समय में ताश न खेलें, माला का जाप करें, वो साधन है साध्य वस्तु को प्राप्त कराने के लिए। साध्य वस्तु क्या है? वो भगवान है।